हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए ट्यूटोरियल के साथ। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ, आपके पास कोई प्रोडक्ट का इमेज है, नेकलेस वगैरह या फिर किसी भी चीज़ का, तो आप उसको आपकी इमेज के साथ कैसे फिट कर सकते हैं। मैं आपको आसान तरीका बताऊँगी और बहुत ही आसानी से सिखाऊँगी ताकि आप जल्दी समझ जाएँ। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, मेरे पास है एक इमेज और एक है मेरे पास नेकलेस की इमेज। तो चलिए सबसे पहले इसका हम बैकग्राउंड को रिमूव कर देते हैं। तो ये मैंने मैजिक टूल लिया और लेयर को रेस्टराइज कर दिया है मैंने, और देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, इसको डिलीट कर देती हूँ, और यहाँ पे ये सेंटर वाले इनको भी डिलीट कर देती हूँ। इतना करने के बाद दोस्तों आपको पेन टूल लेना है। ये मैंने एक पेन टूल लिया पी प्रेस करके, और इसका हम लोग डुप्लीकेट बनाएंगे जंजीर का। तो मैं इसका डुप्लीकेट लेती हूँ यहाँ से कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे मुझे, और यहाँ से कुछ इस तरीके से आपको एक एरिया बना लेना है, सिलेक्शन बना लेना है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, और इतना करने के बाद यहाँ पे मैं सिलेक्शन पर क्लिक करती हूँ और ओके कर देती हूँ। ये देखिए ओके कर दिया। इसके बाद मैं प्रेस करती हूँ कंट्रोल जे, कंट्रोल जे दबा के मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर देती हूँ। और सबसे पहले तो हम इसका छोटा सा साइज़ कर लेते हैं। मैं दोनों लेयर को सिलेक्ट करती हूँ शिफ्ट के साथ और कंट्रोल टी दबाती हूँ, और यहाँ पे कंट्रोल टी दबाने के बाद ये जो जंजीर देख रहे हैं आप, मैं इसको ऊपर लेके आ जाती हूँ। हमने इसको ऑलरेडी डुप्लीकेट किया हुआ था, ये ऊपर लेके आ गई। एक और डुप्लीकेट बना लेंगे हम बाद में, ज़्यादा बड़ी होगी तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम नेकलेस का साइज और छोटा करने वाले हैं। इसके बाद मैं वापस से कंट्रोल जे दबा के डुप्लीकेट करती हूँ, और इसको हम इधर लेके आते हैं वापस। सारी लेयर सेलेक्ट हैं, आपको सारी लेयर सेलेक्ट नहीं करना है, कंट्रोल टी दबाना है और इसको कर देना है फ्लिप हॉरिजॉन्टिकल। एंटर दबाया मैंने यहाँ पे, और यहाँ एंटर दबाने के बाद इसको यहाँ पे सेट कर देंगे हम, और वापस से कंट्रोल जे दबाते हैं हम और इसको हम ऊपर ले जाते हैं। इतना करने के बाद दोस्तों देखिए, ये हमारी जो चैन है वो काफ़ी लंबी हो चुकी है। अब हम ये सारी नेकलेस लेयर को सिलेक्ट करते हैं शिफ्ट के साथ और कंट्रोल ई, कंट्रोल ई इट्स मीन मर्ज हो गई इन सारी लेयर। अब हम दबाते हैं कंट्रोल टी और इसका साइज छोटा करते हैं हम, और इसको रोटेट करते हैं हम लाइक दिस। इसको और छोटा कर देते हैं। देखिए दोस्तों हमारा इतना हो चुका है। अब हमको करना है, मतलब आपको थोड़े आपके हिसाब से एडजस्ट करना है कि अब वो किधर से सही हो रहा है। तो ये यहाँ से अटैच हो गया, अब इधर का पार्ट बचा। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल टी दबाएंगे, कंट्रोल टी दबा के हम करेंगे रैप। ये रैप लिया मैंने, और अब हम इसको यहाँ पे रखेंगे लाइक दिस। अब हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। और यहाँ पे ई प्रेस किया मैंने, ई इरेजर, और यहाँ पे हल्का हल्का सा सॉफ्ट कर देंगे हम। अगर थोड़ा सा पार्ट बाहर निकल रहा हो तो आप वहाँ पे सॉर्ट कर सकते हैं। अब मैं दबाती हूँ कंट्रोल ज़ीरो, और यहाँ पे आप चाहें तो शैडो देखकर दे सकते हैं। तो मैं शैडो की ऑपेसिटी रखती हूँ कम, देखिए शैडो इस पर वर्क नहीं कर रहा है। हम साइज को कम करते हैं, एक कर देते हैं, है ना। तो ये थोड़ा उठ के दिखेगा क्योंकि वाइट कलर का नेकलेस है। आप चाहें तो शैडो ना दें तो भी चलेगा। ये बस मैंने ये अनवांटेड एरिया को डिलीट किया है इससे,
क्योंकि वो नीचे कुछ आ रहा था इसलिए शेडो लगाई हमने इसलिए। सो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप आपकी इमेज में नेकलेस को ऐड कर सकते हैं फोटोशॉप में। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स अगैन। और हाँ दोस्तों, मुझे मेरे सोशल लिंक्स पे फॉलो कर सकते हैं, और मेरा एक और चैनल है सोनम प्रजापति, जिसका लिंक मैंने अपनी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, या फिर आप यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं सोनम प्रजापति। सो थैंक्स अगेन गाइस, सी यू सून विद द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। टिल नाउ बाय।